नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा। तो आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे कौन सी प्रत्याशी ने खुदकुशी करने की कोशिश की और क्यों। फिर हम जानेंगे 100 स्कूलों को मिली बम की धमकी पर गृह मंत्रालय ने क्या बयान दिया। साथ ही बात करेंगे अमित शाह फेक वीडियो पर क्या बोले हेमंत बिस्वा शर्मा। बुलेटिन के आखिरी में बात करेंगे बीजेपी पर ममता बनर्जी ने क्या आरोप लगाए। लेकिन उससे पहले तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए एक नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। अरविंदन सिंह लवली के बाद नीरज बसोया और नसीब सिंह ने भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जेल में बंद नेताओं को चुनाव प्रचार की इजाजत पर जस्टिस मनमोहन बोले फिर तो दाऊद इब्राहिम भी पार्टी बना लेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली से लौट रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर दुर्गापुर में हमला हुआ, बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया आरोप। जेल से रिहा हुए बाहुबली धनंजय सिंह बोले उन पर फर्जी मुकदमा हुआ था, अब पत्नी के चुनाव प्रचार में लगूंगा। बीजेपी से बगावत करके निर्दलीय से लड़ने की तैयारी में है पवन सिंह, प्रवक्ता ने भगोड़ा और काराकाट में आरजेडी का एजेंट बताया। बिहार पुलिस में मचा हड़कंप, राजभवन को बम से उड़ाने की मिली धमकी, पुलिस हुई अलर्ट। ऐप तैयार है, बस आचार संहिता हटने का इंतजार है, फिर चुनाव के बाद ट्रेनों की तरह बसों में भी होगी लोके। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मैंने सत्ता और कुर्सी के लिए नहीं बल्कि इसे छोड़कर सड़क पर संघर्ष करने के लिए दल बदल। रेवंत रेड्डी ने अमित शाह के फेक वीडियो मामले पर कहा कि मैंने कोई वीडियो शेयर नहीं किया, मैं सिर्फ 2 ट्विटर अकाउंट का इस्तेमाल करता हूं। स्टार प्लस शो की अनुपमा रूपाली गांगुली भी बीजेपी में हुई शामिल, कहा कि मैं मोदी के बताए रास्ते पर चलकर देश की सेवा करना चाहती हूं। तो चलिए अब बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर, मगर तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं, दोनों सीटों से प्रत्याशी फाइनल नहीं होने से कार्यकर्ताओं का धैर्य जवाब दे रहा है। अब अमेठी में ब्लॉक अध्यक्ष ने जान देने की कोशिश की है। अमेठी के गौरीगंज स्थित कांग्रेस भवन परिसर में मंगलवार की देर शाम ब्लॉक अध्यक्ष ने खुदकुशी की है कोशिश की। उन्होंने पेड़ पर फंदा डालकर लटकने का प्रयास किया, हालांकि समय रहते कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन्हें बचा लिया। जानकारी के अनुसार ब्लॉक अध्यक्ष अवनीश मिश्रा सेनानी ने अमेठी से अब तक टिकट फाइनल नहीं होने से खफा होकर यह कदम उठाने की कोशिश की। वह कांग्रेस सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले अमेठी लोकसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर निर्णय न होने से कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का धैर्य जवाब दे गया। दावेदार के नाम को लेकर चल रही उलझन के बीच मंगलवार की शाम को कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। कांग्रेसी अमेठी मांगे गांधी परिवार, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी का नारा लगा रहे थे। धरना दे रहे लोगों में कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल, प्रदेश महासचिव योगेंद्र मिश्र सहित अन्य कांग्रेसी शामिल हैं। बता दें कि अमेठी से भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने सोमवार को नामांकन दाखिल कर दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सीट पर गांधी परिवार का ही कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा, लेकिन अभी तक घोषणा न होने से कार्यकर्ताओं का धैर्य अब जवाब देने लगा है। डीपीएस ने परिजनों को भेजे गए एक मेल में कहा है, आपको सूचित किया जाता है कि स्कूल का एक ईमेल मिला है जिससे छात्रों की सुरक्षा को खतरा है, एहतियात के तौर पर हम छात्रों को तुरंत घर वापस भेज रहे हैं। दिल्ली और नोएडा के करीब 100 स्कूलों में बुधवार सुबह बम होने की कॉल से हड़कंप मच गया है। धमकी वाले ईमेल मिलने के बाद राजधानी के 8 स्कूलों को तुरंत खाली करवा दिया गया है, यहां तक कि परीक्षा को भी बीच में रुकवा दिया गया है। गृह मंत्रालय का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह फर्जी कॉल है। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों प्रोटोकॉल के मुताबिक जरूरी कदम उठा रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने कहा है कि पुलिस कमिश्नर से बात कर दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में बम की धमकी पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली पुलिस को स्कूल परिसर में गहन तलाशी लेने, दोषियों की पहचान करने और कोई चूक न हो यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा है कि बम से उड़ाने की धमकी के बाद स्कूलों को खाली करा लिया गया है। दिल्ली पुलिस उन सभी परिसरों की तलाशी ले रही है, अभी तक किसी भी स्कूल में कुछ नहीं मिला है। वह स्कूलों के साथ लगातार संपर्क में है, अभिभावकों और दूसरे लोग घबराए नहीं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने कि उन सभी स्कूलों में जांच पूरी हो चुकी है जहां धमकी भरा ईमेल मिला था, लेकिन किसी भी स्कूल में कुछ नहीं मिला। इसे पूरी तरह से फर्जी मामला यानी कि हॉक्स कॉल करार दिया गया है। पुलिस अब आरोपी को पकड़ने में जुटी। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने 370 सीटें हासिल करने का टारगेट रखा है और इसे हासिल करने के लिए पार्टी दक्षिण भारत से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों में पूरा जोर लगाकर चुनाव प्रचार कर रही है। पार्टी को असम से काफी उम्मीदें हैं। इसी बीच असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एनडीटीवी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर बात की। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के डीप
फेस वीडियो पर भी बात की। उन्होंने कहा डीप फेक हमारे समाज में एक बड़ा मामला है। गृहमंत्री अमित शाह ने 7 महीने पहले ही इसे लेकर चिंता जाहिर की थी। ये एक खतरनाक ट्रेंड है, लेकिन अगर डीप फेक के मामले में देश की कोई जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी शामिल हो जाए तो ये और बड़ी चिंता की बात है। ये देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अभी इस मामले को लेकर जांच शुरू हुई है, इसे हमें डीप गहराई तक ले जाना है। डीप फेक के मामलों में सख्त एक्शन की जरूरत है, हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा। अमित शाह जी के साथ जो डीप फेक का काम हुआ है, उनके वीडियो में शब्द को बदल लिया और इस वजह से चुनाव का परिणाम किसी भी दिशा में जा सकता है। अगर इसमें कांग्रेस का कोई नेता शामिल है तो उसमें उसके ऊपर कमीशन को एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा डीप फेक के कारण ही आज नहीं तो कल पूरे चुनाव का परिणाम बदल सकता है। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि ऐसा इंतजाम किया गया है जिसे मुस्लिम वोट ना दे पाए। उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं से अपील की है कि वो वोट डालने के बाद ही हज पर जाएं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मुर्शिदाबाद में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ममता ने आरोप लगाया है कि वोटिंग का बंदोबस्त ऐसे हुआ है जिससे मुस्लिम वोट ना दे पाए। इस दौरान ममता ने हज यात्रियों को भी शुभकामनाएं दी है। ममता ने जनता से अपील करते हुए कहा है कि अपना वोट देकर हज को जाइए। इन लोगों ने ऐसा इसलिए किया है जिससे मुस्लिम वोट ना कर पाए। सीएम ममता बनर्जी ने मंगलवार को दावा किया है कि लोकसभा चुनाव के पहले 2 चरणों में मतदान प्रतिशत में गिरावट ने भाजपा को डरा दिया है। यह भाजपा नेताओं की बॉडी लैंग्वेज से स्पष्ट है। सीएम ममता ने मंगलवार को मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा भाजपा को भारत निर्वाचन आयोग से जानकारी मिली है कि मतदान प्रतिशत में गिरावट आई है, इसलिए वे डरे हुए हैं। उन्हें एहसास हो रहा है कि प्रधानमंत्री के नाम पर जनता की अपील अब पहले जैसी नहीं रही, इसलिए उनके सुर काफी हद तक नरम हो।